नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात काशीपुर उत्तराखंड में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। कोरोना काल के चलते जहां एक तरफ पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हुई, वही आम इंसान के जीवन पर भी काफी असर पड़ा है। यही कारण है कि आज आम जनता अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर है। 7 सितंबर 2020 को रात के 8:30 बजे काशीपुर शहर में सड़क पर सन्नाटा पसरा था। उस समय नाजिया अपने सोहर राशिद के साथ दवा लेने डॉक्टर के पास गई हुई थी। तभी उसके मोबाइल पर उसकी अब्बू की कॉल आई। अपने अब्बू की कॉल देखते ही उसके दिल की धड़कनें दोगुनी हो चली थी, क्योंकि उसके अब्बू ने बहुत समय बाद उसे फोन किया था। अब्बू ने ना जाने किस लिए फोन किया, उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था। उसके लिए जिज्ञासा के साथ साथ चिंता का विषय भी था ये। नाजिया अपनी दवाई ले चुकी थी। राशिद ने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की ओर निकल पड़ा। उसके पीछे बैठी नाजिया अपने अब्बू से मोबाइल पर बात करने लगी। नाजिया को पता था कि उसे घर पहुंचने में केवल 3-4 मिनट ही लगेंगे, उसके बाद वो घर पर आराम से उनसे बात कर लेगी। जैसे ही राशिद की बाइक उसके घर के मोड़ पर पहुंची, सामने से आ रहे कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि राशिद और नाजिया कुछ समझ पाते, दोनों ही बाइक से नीचे सड़क पर गिरकर तड़पने लगे थे। उनको कई गोलियां लगी थी। देखते ही देखते सड़क उनके खून से तरबतर हो गई। अधिक खून बहने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के घटते ही नाजिया के हाथ से मोबाइल छूटकर वही गिर गया था। खामोशी में डूबे मोहल्ले में अचानक 4-5 गोलियों के चलने की आवाज ने लोगों में दहशत पैदा कर दी थी। घटना स्थल के आसपास बने मकानों की खिड़कियां खुली और लोगों ने सड़क का मंजर देखा तो देखते ही रह गए। सड़क पर एक साथ 2 शव पड़े थे, एक युवक और एक युवती का। उनके पास में ही एक बाइक भी पड़ी हुई थी। मतलब साफ था कि कोई युवक युवती का मर्डर करके फरार हो चुका था। ये मंजर देखकर आस पड़ोस वालों ने हिम्मत जुटाई और सड़क पर बाहर निकल आए थे। एक के बाद एक लोगों के घर से निकलने का सिलसिला शुरू हो गया था, तो घटना स्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दोनों मृतक उसी मोहल्ले के रहने वाले थे, इसी कारण दोनों की शिनाख्त होने में भी कोई परेशानी नहीं आई। वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने मृतक युवक राशिद के भाई के मोबाइल पर फोन करके इस घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही उसके घर वालों के साथ उसके पड़ोसी भी तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना स्थल पर पहुंचते ही राशिद के परिवार वालों ने उसके शरीर को छूकर देखा, जो पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। उसकी मौत हो चुकी थी। उसके पास पड़ी नाजिया की भी मौत हो चुकी थी। घटना स्थल पर पड़े खून को देखकर सभी लोगों का मानना था कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा। जैसे जैसे लोगों को इस मामले की जानकारी मिलती गई, वैसे वैसे वहां पर लोगों का जमघट लगता गया। तुरंत ही इस सनसनीखेज मामले की सूचना किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। चूंकि ये क्षेत्र काशीपुर कोतवाली के अंतर्गत आता है, इसलिए कोतवाली प्रभारी सतीश चंद्र कापड़ी पुलिस टीम के साथ घटना स्थल की तरफ रवाना हो गए। सूचना मिलने पर एएसपी राजेश भट्ट, सीओ मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल की। युवक युवती के शव पास पास पड़े हुए थे। युवक राशिद का चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। मृतक के चेहरे को देखकर लगता था कि हत्यारों ने उसके सिर से सटाकर गोली चलाई थी, जिसके कारण उसके चेहरे की पहचान ही खत्म हो गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने युवक युवती के परिवार वालों के बारे में जानकारी जुटाई। राशिद के परिवार वालों ने बताया कि दोनों का काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते दोनों घर से भाग गए थे। उसी दौरान जून 2020 में दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया था। फिर कुछ समय बाद दोनों काशीपुर वापस आ गए थे। तब से पास में ही दोनों किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। नाजिया की तबीयत खराब होने के कारण उस शाम दोनों बाइक से दवा लेने डॉक्टर के पास गए थे। वहां से वापसी के दौरान किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना स्थल की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने मृतक राशिद और उसकी बीवी नाजिया के मोबाइल अपने कब्जे में ले लिए थे। पुलिस ने दोनों के मोबाइल चेक किए तो पता चला कि घटना के समय नाजिया अपने पिता के मोबाइल पर बात कर रही थी।
ये बात सामने आते ही पुलिस समझ गई कि दोनों की हत्या में जरूर युवती के पिता मुजम्मिल का हाथ हो सकता है। पुलिस ने तुरंत ही युवती के घर जाकर उसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि मुजम्मिल घर से फरार है। उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उसके अन्य परिवार वाले भी घर से गायब थे। घर के सभी लोगों के अचानक फरार होने से इस हत्याकांड में उनका हाथ होने का अंदेशा पुलिस को हो गया। पुलिस ने युवती के घर वालों को सब जगह खोजा लेकिन उनका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। ये सब जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिए। इस केस में मृतक राशिद के भाई नईम की तहरीर के आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों मुजम्मिल, उसके बेटे मोहसिन के अलावा अफसर अली, जुगर अली के खिलाफ धारा 302, 342, 504 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस केस में नामजद मुकदमा दर्ज होते ही इस घटना की जानकारी एएसपी राजेश भट्ट व सीओ मनोज ठाकुर के नेतृत्व में अलग अलग तीन टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम ने आरोपियों के शरीफ नगर, ठाकुर द्वारा और मुरादाबाद में कई संभावित स्थानों पर दबिश डाली। काफी प्रयास करने के बाद भी आरोपी पुलिस पकड़ में नहीं आए थे। पुलिस कार्रवाई के दौरान 9 सितंबर 2020 को पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि मुजम्मिल और उसका बेटा मोहसिन दोनों ही दड़िया रोड लोहिया पुल के पास कहीं जाने की फिराक में खड़े हैं। सूचना पाते ही काशीपुर कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार कापड़ी तुरंत पुलिस टीम के साथ लोहिया पुल पर पहुंचे। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस कोतवाली ले आई। पुलिस ने दोनों से इस दोहरे हत्याकांड के बारे में कड़ी पूछताछ की। कुछ समय तक तो मुजम्मिल ने पुलिस को घुमाने की पूरी कोशिश की। फिर बाद में मुजम्मिल ने बताया कि जिस समय वो बेटे के साथ अपनी बेटी नाजिया से मिलने के लिए घर के नुक्कड़ पर पहुंचा, उस समय तक उन दोनों की हत्या हो चुकी थी। उसने अपने बेटे के साथ दोनों को मृत पाया तो वो बुरी तरह से घबरा गया। उनके जाने से पहले ही उन दोनों को मौत के घाट उतारा जा चुका था। उनको उस हालत में देखकर बाप बेटे दोनों बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्हें डर था कि उनकी हत्या का इल्जाम उन पर ना लग जाए, इसी कारण वे तुरंत ही मौके से फरार हो गए थे। उसकी बातें सुनकर कोतवाली प्रभारी सतीश चंद्र कापड़ी को उस पर शक हो रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने मुजम्मिल और उसके बेटे मोहसिन पर थोड़ी सी सख्ती बरती तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके तुरंत बाद ही पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 315 बोर के दो तमंचे बरामद कर लिए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी दर्ज कर लिए। सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने पूछताछ करने पर जो जानकारी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। उत्तराखंड के शहर काशीपुर के मोहल्ला अली खान में रहता था कमरुद्दीन का परिवार। कमरुद्दीन का बड़ा परिवार था लेकिन बच्चों के बड़े होते ही वो भी पैसे कमाने लगे, जिससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। उसका एक बेटा काम करने के लिए दुबई चला गया और दूसरा सऊदी अरब। उनके और लड़के भी काशीपुर में ही अपना काम धंधा करते थे। कमरुद्दीन के घर के पास ही मुजम्मिल का मकान भी था। मुजम्मिल की आर्थिक स्थिति पहले से ही मजबूत थी। मुजम्मिल मूलतः शरीफ नगर का निवासी था। गांव में उसकी काफी जमीन जायदाद थी। अब से लगभग 10 साल पहले मुजम्मिल ने अपने गांव की कुछ जुतासे की जमीन बेची और काशीपुर के मोहल्ला अली खां में आकर बस गया था। उसकी ससुराल भी यहीं पर थी। काशीपुर आने के तुरंत बाद ही उसने यहां पर कुछ जुतासे की जमीन खरीदी और उस पर खेती का काम करना शुरू कर दिया। मुजम्मिल के परिवार में उसकी बीवी सहित कुल 8 सदस्य थे। जमीन के बाकी बचे पैसों से मुजम्मिल ने एक कैंटर खरीद लिया था। मुजम्मिल के 4 बेटे जवान थे जो काफी समय पहले से ही अपना काम धंधा करने लगे थे। कैंटर मुजम्मिल स्वयं ही चलाता था जिससे उसे काफी आमदनी हो जाती थी। 2 बेटियों में से वो एक की पहले ही शादी कर चुका था। उसके बाद उसकी सबसे छोटी बेटी नाजिया ही बची थी। कमरुद्दीन और मुजम्मिल दोनों ही पड़ोसी थे, इसी नाते दोनों परिवार एक दूसरे के घर आते जाते थे। भले ही दोनों अलग अलग जाति से ताल्लुक रखते थे लेकिन दोनों परिवारों में घर जैसे ही ताल्लुकात थे। मुजम्मिल के बेटे राशिद की मोहसिन से अच्छी दोस्ती भी थी। राशिद और मोहसिन का जब कभी भी कहीं काम होता तो दोनों साथ साथ ही घर से निकलते थे। मोहसिन की एक बहन थी नाजिया। नाजिया देखने में जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा तेज तर्रार भी थी। भले ही नाजिया राशिद के दोस्त की बहन थी लेकिन उसके दिल को वो भा गई थी।
घर आने जाने की भी कोई पाबंदी नहीं थी। इसी आने जाने के दौरान नाजिया ने राशिद की आंखों में अपने प्रति प्यार देखा तो वो भी उससे प्यार करने लगी। प्यार का सुरूर आंखों के रास्ते उतरा तो दिल में जाकर समा गया। दोनों के बीच मोहब्बत का सफर चालू हुआ तो अमरवीर की तरह बढ़ने लगा। देखते देखते उनके प्यार के चर्चे घर की दीवारों को लांग कर मोहल्ले में छाने लगे थे। ये बात नाजिया के घर वालों को पता चली तो वे आग बबूला हो उठे। मुजम्मिल ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की लेकिन वो राशिद को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके बाद मुजम्मिल ने राशिद के परिवार वालों को उनके बेटे की काली करतूतों का हवाला देते हुए उसे समझाने को कहा, लेकिन राशिद भी प्रेम डगर से पीछे हटने को तैयार नहीं था। एक पड़ोसी होने के नाते जितना दोनों परिवारों में प्यार था, पल भर में वो नफरत में बदल गया था। हालांकि दोनों ही परिवार वालों ने अपने अपने बच्चों को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन दोनों ही अपनी जिद पर अड़े थे। इस मामले को लेकर दोनों परिवारों के बीच झगड़ा बढ़ा तो मामला पंचायत तक जा पहुंचा। भरी पंचायत में फैसला हुआ कि राशिद काशीपुर छोड़कर कहीं बाहर जाकर काम देखे। परिवार वालों के दबाव में राशिद रोजगार की तलाश में सऊदी चला गया। राशिद के काशीपुर छोड़कर चले जाने के बाद नाजिया उसकी याद में तड़फने लगी थी। कुछ ही दिनों में उसने राशिद से सऊदी में भी मोबाइल द्वारा संपर्क बना लिया। फिर दोनों ही मोबाइल पर प्रेम भरी बातें करते थे। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बरपा तो राशिद अपने घर लौट आया। इस समय घर आना उसकी मजबूरी बन गई थी। अपने घर काशीपुर आते ही उसने शहर में एक टायर शोरूम में नौकरी कर ली। उसी दौरान मोहसिन अपनी पुरानी रंजिश को भूलकर राशिद से मिला। मोहसिन जानता था कि लॉकडाउन खुलते ही राशिद दोबारा सऊदी चला जाएगा। दरअसल राशिद के सऊदी चले जाने के बाद से ही मोहसिन के दिल में भी सऊदी जाने की तमन्ना पैदा हो गई थी। मोहसिन जानता था कि वह राशिद के संपर्क में रहकर ही सऊदी तक पहुंच सकता है। मोहसिन के संपर्क में आने के बाद राशिद को मनचाही मंजिल और भी आसान लग रही थी। उसी दोस्ती के कारण राशिद का नाजिया के घर आना जाना बढ़ गया था। यही आना जाना दोनों को उस मकाम तक ले गया जहां से दोनों का लौटना नामुमकिन हो गया था, यानी उनके प्रेम संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। फिर अब से लगभग 3 महीने पहले राशिद और नाजिया अचानक घर से फरार हो गए। नाजिया के घर से फरार होते ही उसके घर वालों को गहरा सदमा लगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी एक दिन उनकी इज्जत को तार तार कर देगी। मुजम्मिल को पता था कि वो जरूर राशिद के साथ गई होगी। राशिद के बारे में जानकारी लेने पर पता चला कि वो भी घर से गायब था। मुजम्मिल को दुख इस बात का था कि उसकी बेटी ने गैर बिरादरी के लड़के के साथ भागकर समाज में उसकी नाक कटवा दी थी। मुजम्मिल के मान सम्मान को ठेस पहुंची तो उसने दोनों से मोबाइल पर बात करके उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली थी। उसके बावजूद भी दोनों ने बाहर रहते ही चोरी छिपे एक मौलवी के सामने निकाह भी कर लिया था। ये बात जब नाजिया के घर वालों को पता चली तो घर में मातम सा छा गया। समाज में अपनी इज्जत को देख नाजिया के अब्बू मुजम्मिल ने इस राज को राजी बने रहने दिया। मुजम्मिल ने इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध ली और फिर नाजिया और राशिद के वापस आने का इंतजार करने लगा था। राशिद ने नाजिया के साथ निकाह करते ही अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था, जिसके बाद मुजम्मिल की उनसे बात नहीं हो पाई थी। मुजम्मिल पेशे से ड्राइवर होने के नाते काफी तेज तर्रार था। वो किसी तरह से राशिद का नया मोबाइल नंबर हासिल करना चाहता था। वो जानता था कि राशिद के घर वालों से ही उसका नंबर मिल सकता है। उसने किसी तरह उसकी अम्मी को विश्वास में लेते हुए उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। जब मुजम्मिल के सब्र का बांध टूटा तो उसने दूसरी चाल चली। मुजम्मिल ने एक दिन अपनी बेटी को फोन करके कहा, नाजिया बेटी, तुमने जो भी किया है वो ठीक किया है। बेटा बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारे बिना हमसे रहा नहीं जाता। हमें अब तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। तुम दोनों घर वापस आ जाओ। हम चाहते हैं कि तुम दोनों का धूमधाम से निकाह करा दे। मुजम्मिल की बात सुनकर नाजिया को विश्वास नहीं हुआ। उसने ये सब बात पति राशिद को बताई, साथ ही ये भी समझाया कि आप मेरे अब्बू की बातों में मत आना, मैं उनकी नस नस से वाकिफ हूँ। वो झूठा प्यार दिखाकर हमें काशीपुर बुलाने के बाद हमारे साथ क्या कर डाले कुछ पता नहीं। इसके बावजूद राशिद मुजम्मिल की बातों में आ गया था और वो नाजिया को साथ लेकर काशीपुर चला आया। काशीपुर आने के बाद राशिद ने मोती मस्जिद के पास अली खाह मोहल्ले में ही एक किराए का मकान ले लिया था और वहीं पर नाजिया के साथ रहने लगा था। ये बात मुजम्मिल को भी पता लग गई थी।
उसके बाद मुजम्मिल अपने दिल में राशिद और नादिया के प्रति फैली नफरत को खत्म करने के लिए उचित समय का इंतजार करने लगा था। अपनी बेटी और राशिद के प्रति उसके दिल में इस कदर नफरत पैदा हो गई थी कि वो किसी भी सूरत में दोनों को मौत के घाट उतारने की योजना बना चुका था। उसी योजना के तहत मुजम्मिल ने उत्तर प्रदेश के एक गांव से 315 बोर के 2 तमंचे और 8 कारतूस खरीदे। उसके बाद मुजम्मिल अपने बेटे मोहसिन को साथ लेकर दोनों का साये की भांति पीछा करने लगा। राशिद और नाजिया कब, कहां और क्यों जाते हैं ये जानना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। इस घटना से लगभग 15 दिन पहले मुजम्मिल को जानकारी मिली कि नाजिया राशिद के साथ जयपुर स्थित कालू सिद्ध के मजार पर गई हुई है। कालू सिद्ध के मजार पतरामपुर के जंगलों में स्थित है, जहां पर दूर दूर तक झाड़ झंकार और वन फैला हुआ है। ये जानकारी मिलते ही मुजम्मिल अपने बेटे मोहसिन को साथ लेकर कालू सिद्ध के रास्ते में भी छिपकर बैठा, लेकिन उस दिन उन्हें नाजिया अकेले ही दिखाई दी, जबकि मुजम्मिल नाजिया के साथ राशिद को भी खत्म करने की फिराक में था। लेकिन उस दिन दोनों बाप बेटे गम का घूट निगलकर अपने घर वापस आ गए, फिर दोनों के साथ मिलने की ताक में रहने लगे। 7 सितंबर 2020 की शाम को पता चला कि राशिद नाजिया को साथ लेकर बाइक से कहीं पर गया हुआ है। ये जानकारी मिलते ही उसने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी कर ली, लेकिन उस समय उसे ये जानना भी जरूरी था कि वे दोनों शहर में गए हैं या फिर कहीं बाहर। ये जानकारी लेने के लिए वो अपने घर के मोड़ पर एक चबूतरे पर जा बैठा। वहां पर पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे, वहां पर भी उसका मन नहीं लगा। उसके मन में राशिद और नाजिया को लेकर जो खिचड़ी पक रही थी वो उसे लेकर परेशान था। मुजम्मिल वहां से उठकर अपने घर चला आया था। जब राशिद और नाजिया को गए हुए काफी समय बीत गया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने उसी समय नाजिया को फोन मिला दिया। अपने अब्बू का फोन आते ही वो भावुक हो उठी और उसने बता दिया कि वो दवाई लेने आई हुई थी, अब वो कुछ ही देर में घर की ओर ही निकल रही है। ये जानकारी मिलते ही मुजम्मिल अपने बेटे मोहसिन को साथ लेकर अपने घर की ओर आने वाले मोड़ पर जा पहुंचा। उस समय तक वहां पर बैठे लोग भी अपने अपने घर जा चुके थे। जैसे ही राशिद नाजिया को साथ लेकर घर की ओर जाने वाले मोड़ पर पहुंचा, मुजम्मिल और उसके बेटे मोहसिन ने इस घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस ने मुजम्मिल और उसके बेटे मोहसिन से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें 10 दिसंबर 2020 को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। इस केस का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की सराहना करते हुए एएसपी राजेश भट्ट ने 2500 रुपए देने की घोषणा की थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।